आइए चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले अच्छे से समझ लेते हैं। लास्ट वीडियो में भी कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि थोड़ा और अच्छे से इसको डिटेल में समझा दीजिए। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्म होती है वो होती है ax² + bx + c। देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जब तक इसके आगे = 0 ना लगा हो। जैसे ही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए जब हम इक्वल्स लगा देते हैं तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जगह पे क्या बन जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। तो अगर हम इसके 0 हटा के जब हम पॉलिनोमियल के हम फैक्टर्स निकाला करते थे 9th क्लास में, तो जो ये जो फैक्टर्स निकलते थे, सपोज करो हम इसको बोलते थे ज़ीरोज़ निकालो, आपको याद होगा ज़ीरोज़ निकालते थे हम। तो ज़ीरो जब हम निकालते थे सेम चीज़ हम एक्स की वैल्यू निकालते थे। इसमें भी हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो हम जब इसकी एक्स की वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू ऑफ एक्स, या वाई भी हो सकता है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ay² + by + c कोई भी वेरिएबल हो सकता है। तो जो वैल्यू ऑफ एक्स होती है उसको हम बोलते हैं रूट्स। रूट्स इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ एक्स, और वैल्यू ऑफ एक्स इज नथिंग बट सॉल्यूशन। तो पहली चीज़ तो आपको एकदम क्लियर हो जानी चाहिए, अगर क्वेश्चन बोल दे व्हाट आर द रूट्स, रूट्स का मतलब हो गया हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये हमारा पहला पॉइंट है। अब ये कैसे निकालनी है ये हम देख लेते हैं। एक हमने पिछली कुछ वीडियोस में हमने देखा था कि वैल्यू ऑफ एक्स निकालने का पहला मेथड था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो हम इस वीडियो में हम देख रहे हैं और लास्ट वीडियो में भी हम देख चुके हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में स्टेप 1 होता है डी निकालना होता है, जिसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। लास्ट वीडियो में हमने इसको देखा था, डी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट अगर इसको थोड़ा समझे हिंदी में, डिस्क्रिमिनेंट मतलब जो डिस्क्रिमिनेट करता है। तो स्टेप 1 डी की जो वैल्यू होती है b² - 4ac बताती है कि हम आगे क्या करने वाले हैं। आगे हम तीन चीज़ें कर सकते हैं इस डी की वैल्यू के बेसिस पे। अब डी की वैल्यू सपोज करो मैं डी को एक वेरिएबल मान लेता हूँ, डी की वैल्यू 3 हो सकती हैं। डी की वैल्यू हो सकती है या तो पॉजिटिव हो जाए, या तो 0 हो जाए, या तो नेगेटिव हो जाए। क्या बात समझ में आई? अब इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर बोलूँ तो डी की वैल्यू या तो 0 से बड़ी हो सकती है, या तो डी की वैल्यू 0 हो सकती है, या डी की वैल्यू 0 से छोटी हो सकती है। अब इस भाषा में आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इस भाषा में आपको समझ में आ गया होगा कि डी की वैल्यू मतलब b² - 4ac की वैल्यू 3 हो सकती है, या तो पॉजिटिव होगी, या तो नेगेटिव होगी, या तो 0 होगी। तो स्टेप 1 बताता है कि अगर डी की वैल्यू 0 हो तो उसके आगे चलेंगे, यस वी विल मूव अहेड। तो हम स्टेप 2 करेंगे, लेकिन जब हम डी की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर आंसर क्या आएंगे, 2 डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग रियल रूट्स। ठीक है, तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। रियल इसलिए क्योंकि ये असली नंबर होंगे, अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। अगर डी की वैल्यू 0 हो जाती है, एग्जैक्टली 0 हो जाती है, तो उसके मतलब बोलते हैं नॉट 2 रियल रूट, 2 सेम रियल रूट, बेसिकली 2 सेम रियल रूट्स। मतलब एक ही आंसर आएगा, मतलब एक्स का आंसर जैसे पहले वाले केस में आएगा 2 और -4, तो 2 आंसर आएंगे। तो यहाँ पर 2 सेम रियल रूट्स के केस में क्या आएगा, 2,2, मतलब दोनों ही आंसर सेम आएंगे। और अगर नेगेटिव हो जाए डी की वैल्यू, मतलब 0 से छोटी हो जाए, तो डी की वैल्यू अगर 0 से छोटी हो जाए तो हम आगे सॉल्व भी नहीं करते, हम लिख देते हैं no real roots। अब इस चीज को कहते हैं नेचर ऑफ रूट्स। क्या कहते हैं, नेचर ऑफ रूट्स। तो क्वेश्चन कई बार ये भी पूछ लेता है, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा और बोलेगा फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स में आपको क्या निकालना होगा, b² - 4ac, और जो आंसर आया उसके बेसिस पे हम लिख देंगे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, 2 सेम रियल रूट्स,
नो रियल रूट्स। सो हमारा पहला क्वेश्चन है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब हो गया कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव है, तो उसके टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, तो इसका आंसर हो गया टिक, बिल्कुल ठीक है आंसर। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है वो डिस्क्रिमिनेंट है, क्वेश्चन ने बोला है, तो हमने पता ही है कि हमें ये क्या है, डी की वैल्यू है डिस्क्रिमिनेंट, तो ये भी आंसर हो गया ठीक। नेक्स्ट में बोला है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस सेवन इक्वल टू जीरो का हमें क्या बताना, नेचर ऑफ रूट्स, क्या वो रियल एंड इक्वल रूट्स हैं या नहीं है, उसके लिए हमें डी निकालना पड़ेगा। तो हम पहले ए बी और सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, ए की वैल्यू होगी वन, बी की वैल्यू होगी माइनस फाइव, सी की वैल्यू होगी माइनस सेवन, तो डी को पता है हमें बी स्क्वायर मतलब माइनस फाइव स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या है माइनस सेवन, सो हो गया ये पच्चीस, ये आया फॉर ट्वेंटी एट, साथ इक्कीस अट्ठाईस या फिफ्टी टू, तो डी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो होती है तो क्या होती है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, बट क्वेश्चन ने क्या बोला था, वो इक्वल रूट्स होने चाहिए, तो इसका आंसर में आप क्रॉस लगा देंगे बिकॉज ये फॉल्स है, ये क्या है टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अगर आप ध्यान से देखेंगे वर्कशीट में तो वहाँ पर एक लेट्स ट्राई दिस करके भी आपको दे रखा है, जहाँ पर आपको बोला है कि इस क्वेश्चन का नेचर और रूट्स दोनों निकालो, तो नेचर के लिए पहले हमें डी निकालना ही पड़ेगा, तो डी के लिए पहले ए बी और सी निकाल लेते हैं, ए क्या है टू, बी क्या है माइनस फाइव, सी क्या है माइनस थ्री, तो जल्दी से डी निकाल लेते हैं जो है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर क्या है माइनस फाइव फोर ए टू माइनस थ्री, सो ये हो गया 25 माइनस माइनस हुआ प्लस, सो यहाँ पर हो गया 12, 12 इंटू दो 24, यहाँ पर आ गया 49, तो मैं इसके अंदर पहले रूट डी भी निकाल लेता हूँ जिसका हो गया 7, तो मैं ये भी यहाँ पर लिख देता हूँ, रूट डी की वैल्यू कितनी हो गई 7, ये हमने लास्ट वर्कशीट में भी देख लिया था। अब इसके बाद ये हमारा स्टेप वन था, अब मैं स्टेप टू कर रहा हूँ, स्टेप टू क्या है, हमें रूट्स निकालने हैं, तो रूट्स का फॉर्मूला क्या था, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू ए। अब मैं इसको दो तरीक़ों से, एक बार प्लस एक बार माइनस करूँगा, माइनस बी क्या है माइनस फाइव, प्लस रूट डी क्या है सेवन अपॉन टू ए क्या है टू, तो इस तरीके से लिख लें, माइनस माइनस फाइव माइनस सेवन अपॉन टू ए, सो यहाँ पर आ गया 5 प्लस 7 अपॉन 4 मतलब हो गया 12 अपॉन 4 मतलब हो गया 3, तो पहला रूट जो है वो 3, तो यहाँ पे अलग आना चाहिए, कैसे पता मेरे को डी क्या है, यहाँ पे डी क्या है 49, डी क्या है ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, तो यहाँ पे ये भी आ रहा है, यहाँ पर अलग आंसर आएगा, देख लेते हैं कैसे, यहाँ है प्लस फाइव माइनस सात अपॉन चार, यहाँ पर ए की जगह पर टू डालना था, तो माइनस फाइव आ गया माइनस टू अपॉन चार मतलब माइनस वन बाय टू, देखें यहाँ आया तीन, यहाँ पर आया माइनस वन बाय टू, दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ गए या नहीं आ गए। अगर कोई डाउट हो इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें, तो अगली वर्कशीट में चलते हैं, अभी के लिए इतना ही। हेलो स्टूडेंट्स, आइए अब हम आपकी हिंदी की वर्कशीट देख लेते हैं। तो सोमवार का दिन है और वर्कशीट है आपकी वर्कशीट 16, ये कक्षा 10 की वर्कशीट है। तो आपने ऑलरेडी बाल गोविंद भगत पर कई वर्कशीट की हैं, ये उसी की कंटिन्यूएशन है, संदर्भ पाठ 2 से ली गई वर्कशीट है ये। तो इसमें राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने बाल गोविंद भगत जी का एक रेखा चित्र बनाया है शब्दों के माध्यम से, तो आइए देख लेते हैं वो क्या कहते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने बाल गोविंद भगत नामक पाठ में समाज में व्याप्त कई रूढ़ियों एवं रीति रिवाजों को नकारते हुए सामाजिक सुधार का पुरजोर समर्थन किया है। नीचे दिए गए अंश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो ये जो पाठ है आपका, ये इस पाठ के माध्यम से, इस पाठ के थ्रू रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने जो समाज में कुरीतियां हैं, जो समाज की बुराइयां हैं, या ऐसे रीति रिवाज हैं समाज के जो बहुत पुराने हो चले हैं और समाज के ग्रोथ के लिए अच्छे नहीं है, समाज के सुधार के लिए अच्छे नहीं है,
तो ऐसी जो रीतियां हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने उनका समर्थन नहीं किया है और उनके अगेंस्ट वो खड़े हुए हैं, और उन्होंने सामाजिक सुधार का जरूर पुरजोर समर्थन किया है। तो उसी समर्थन यही समर्थन करते हुए वे बाल गोविंद भगत का रेखाचित्र लिखते हैं। तो उसी का एक यहाँ पर एक गद्यांश है यहाँ पर, और उसके बाद आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आइए ये पढ़ लेते हैं। बेटे के क्रिया कर्म में तूल नहीं किया, पुतोहू यानी बहू से ही आग दिलाई। ध्यान रखिएगा, इसमें रामवृक्ष बेनीपुरी जी बाल गोविंद भगत के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो ये बात कर रहे हैं कि बाल गोविंद भगत के जब बेटे नहीं रहे और जब उनके अंतिम संस्कार की बारी आई, जब उनका क्रिया कर्म किया जाना था, तो उन्होंने समाज की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि समाज में ये कहा जाता है कि क्रिया कर्म के समय पर, अंतिम संस्कार के समय पर घर की जो औरतें हैं वो वहां पर नहीं आती हैं, शमशान घाट में नहीं आती हैं या मृत आ, आ, व्यक्ति के पास नहीं आती हैं, और स्पेशली उनकी चिता में आग तो बिल्कुल ही नहीं लगाती हैं। तो घर का जो बेटा होता है, ये हमारे समाज में कुछ रीतियां हैं, तो उसमें घर का जो बेटा होता है कायदे से वो चिता में आग लगाता है। लेकिन लेकिन बाल गोविंद भगत जी जो थे वो ऐसी रीतियों में विश्वास नहीं रखते थे। उनके हिसाब से लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं था। तो इसीलिए उन्होंने अब जब उनके बेटे नहीं रहे, जब उनके पुत्र नहीं रहे और उनके अंतिम संस्कार का वक्त आया, तो बाल गोविंद भगत जी ने अब उनकी जो बहू थी अर्थात उनके पुत्र की जो पत्नी थी, उन्हीं से उनकी चिता में आग लगवाई। तो जहां तक हमें समझ आता है, तो वो इसलिए उन्होंने किया क्योंकि उनके हिसाब से जब उनके पुत्र का विवाह हो गया है, तो विवाह होने के बाद एक इंसान इतना बड़ा हो जाता है और साथ ही उनके जिंदगी में, उनके जीवन में एक नया साथी आ जाता है, तो उन दोनों का जो रिश्ता है वो बाकी सब रिश्तों से एक बड़ा रिश्ता हो जाता है। तो उसी रिश्ते का सम्मान करते हुए उन्होंने अपनी बहू से ही अपने पुत्र की चिता में आग दिलवाई। किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पुतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। तो ऐसा नहीं था कि बाल गोविंद भगत जी ने कहा कि क्योंकि मेरे पुत्र पर मेरी बहू का ही अधिकार है तो वो उनकी चिता में आग देंगी और इसीलिए हमेशा हमेशा ही उनके घर को संभालेंगी। ऐसा बाल गोविंद भगत जी ने नहीं कहा। उन्होंने ये समझा, उन्होंने एक औरत की इच्छाओं को और एक औरत के जीवन में जो आगे प्रगति आनी चाहिए, उन्होंने उसकी भी महत्वता को समझा। उन्होंने एक एक वुमन की लाइफ में जो प्रोग्रेस आनी चाहिए, जो एक इंडिविजुअलिटी उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उन्होंने उसको भी समझा। और उन्होंने कहा कि देखो, श्राद्ध तक तो ये एक रीति है कि हम उसको जो अभी गया है हमारे जीवन से, हम उसकी आत्मा का सम्मान करें। तो श्राद्ध तक तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, और श्राद्ध तक तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर बहू हमारे घर में है तो बिल्कुल उसका घर में रहना बनता है, क्योंकि अभी अभी तो उसका पति गया है, तो उसकी आत्मा को सम्मान देते हुए उसे जरूर घर में रहना चाहिए। लेकिन जैसे ही श्राद्ध की अवधि खत्म हुई, श्राद्ध माने जो किसी के जाने के बाद जो उसके अगले 13 दिन तक जो घर में माहौल रहता है, जिसमें उसको याद किया जाता है, आत्मा को याद किया जाता है और पूजन किया जाता है और ये प्रे किया जाता है कि उनकी आत्मा को शांति मिले, तो जैसे ही वो अवधि पूरी हुई, तो बाल गोविंद भगत जी ने जो उनकी बहू थी उनके भाई को बुलाया और कहा कि इसे ले जाओ, इसे अपने साथ ले जाओ, और उसे ये आदेश भी दिया कि उसकी दूसरी शादी करा देना। तो यहाँ पर बाल गोविंद भगत जी समाज की एक और कुरीति का विरोध करते हुए नजर आते हैं। तो बाल गोविंद भगत जी के हिसाब से जो समाज में ये रीति थी कि विधवाओं की दूसरी शादी नहीं होनी चाहिए और विधवाओं को अपने सर का मुंडन कराकर, सफेद वस्त्र पहनकर अकेले रहना चाहिए, ये दुनियादारी के जितने भी रंग हैं उनसे दूर रहना चाहिए, तो इसके वो अगेंस्ट थे बाल गोविंद भगत। उन्होंने एक अगेन एक वुमन की इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट किया, उन्होंने एक औरत की जिंदगी को रिस्पेक्ट किया, और उन्होंने कहा कि ठीक है, ये जो हुआ सो हुआ, अब इसकी जिंदगी अपनी जिंदगी है और इसे आगे बढ़ना चाहिए, और ये चाहे तो इसकी दूसरी शादी करा देना। तो यहाँ पर ये भी देखते हैं हम कि कैसे बाल गोविंद भगत समाज की अलग अलग कुरीतियों का विरोध करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। तो
तो इधर पुतोहू रो रो कर कहती हैं कि मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू भर पानी भी देगा, मैं पैर पड़ती हूं, मुझे अपने चरणों से अलग मत कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तो ऐसा नहीं था कि बहू ने कहा कि नहीं, मैं ठीक है मैं चली जाती हूँ। बहू ने बिल्कुल कहा कि अपने ससुर का मान रखते हो, उन्होंने उसने बिल्कुल कहा कि जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपका कौन ध्यान रखेगा, आपका खाना कौन बनाएगा, आप जब बीमार पड़ेंगे तो आपको पानी कौन देगा, तो ऐसा मत कीजिए, मैं यहीं रुक जाती हूँ, कोई बात नहीं। तो बहू ने तो ऑफकोर्स अपने एल्डर का रिस्पेक्ट करते हुए, अपने ससुर का मान रखते हुए बिल्कुल रुकना चाहा, लेकिन बाल गोविंद भगत क्योंकि बहुत ही बड़े इंसान थे और बहुत ही समझदार इंसान थे, उन्होंने इस बात को समझा कि ये लड़की आज ये कह रही है लेकिन 10 साल बाद जब ये बड़ी होगी, इसका अपना जीवन होगा या कभी मैं नहीं रहूंगा, तब ये क्या करेगी और तब ये अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ेगी। तो इस बात को समझदारी से समझते हुए बाल गोविंद भगत अपने निर्णय पर अटल रहे, उन्होंने अपना डिसीजन चेंज नहीं किया और उन्होंने कहा कि तू जा, नहीं तो मैं भी इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। तो उन्होंने कहा कि देख, या तो तू जा, नहीं तो मैं इस घर से चला जाऊंगा। तो ऐसे नहीं होगा कि तू यहाँ रहेगी और जिंदगी भर मेरा मेरा देखभाल करेगी, ऐसा नहीं चलेगा। तेरा अपना जीवन है, तुझे अपना जीवन आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, जीवन में एक ऐसी घटना हो गई कि तुम्हारा एक पति था और अब वो नहीं रहा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी रुक जाएगी। तो इस मौके पर अब जिंदगी की नई शुरुआत करो और आगे बढ़ो। और इस तरह से उन्होंने ये आखिरी दलील दी कि या तो तू इस घर में रहेगी, नहीं तो मैं ही चला जाता हूं। तो इस दलील के आगे ऑफ कोर्स वो बेचारी कुछ नहीं कह पाई। तो इसी अंश पर आपके क्वेश्चंस बेस्ड हैं, तो ये क्वेश्चंस जो हैं हम इनके सैम्पल आंसर्स भी आपको दे रहे हैं, तो उन आंसर्स को आप पढ़िए और समझिए और कोशिश कीजिए अपने शब्दों में उन आंसर्स को लिखने की। आप उनसे आइडिया ले सकते हैं उन आंसर्स से, और आप जो समझते हैं, आपके जो विचार है वो कोशिश कीजिए लिखने की। तो पहला क्वेश्चन है आपका, बेटे की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत ने पुतोहू से आग दिलाई, इसके पीछे क्या तर्क हो सकता है, अनुमान लगाइए। तो आपको ये अंदाजा लगाना है कि ऐसा क्यों किया बाल गोविंद भगत ने, उन्होंने ऐसा क्यों किया कि उन्होंने अपनी बहू से ही अपने पुत्र की चिता में आग लगवाई, ऐसा उन्होंने क्यों किया। तो हम आपको सैंपल आंसर यहाँ दिखा देते हैं, अगर आप चाहें तो बिल्कुल अपना उत्तर अपने ढंग से बनाकर इस पर लिखिए। आगे चलते हैं प्रश्न दो की तरफ। प्रश्न दो कहता है, लेखक ने बाल गोविंद भगत द्वारा पुतोहू की दूसरी शादी के माध्यम से समाज को क्या संदेश दिया है। तो लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी ने यहाँ पर बाल गोविंद भगत का रेखा चित्र प्रस्तुत किया है और उसके उसके थ्रू उसके द्वारा उन्होंने ये भी दिखाया है कि बाल गोविंद भगत अपनी बहू की दूसरी शादी करने को तैयार थे। तो ये बताते हुए लेखक ने, राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने, समाज को क्या संदेश देने की कोशिश की है, ये आपका प्रश्न है। तो इसका उत्तर आप बिल्कुल ये लिख सकते हैं कि उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की है कि विधवाओं का जीवन, अगर कोई विधवा हो जाती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसका जीवन वहीं खत्म हो गया है और उसका जीवन आगे नहीं बढ़ सकता है, बल्कि उन्होंने ये मैसेज देने की, ये संदेश देने की कोशिश की है कि बिल्कुल औरतों को भी पूरा हक है अपनी अपना जीवन फिर से शुरू करने का और नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करने का, बिल्कुल उन्हें हक है, और अगर वो चाहें तो दूसरी शादी करने का भी उन्हें पूरा पूरा हक है। तो ये उन्होंने समाज को संदेश देने की कोशिश की है। हमने सैम्पल आंसर आपको यहाँ दिखा दिया है, आप उसे जरूर देखिए, समझिए और अपना आंसर भी आप खुद लिख सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन थ्री पर, घर नहीं छोड़ने के लिए बाल गोविंद भगत की पुतोहू ने क्या-क्या तर्क दिए। तो ये बहुत ही डायरेक्ट आंसर है, तो उनकी जो बहू थी उन्होंने क्या-क्या तर्क दिए, क्या-क्या रीजंस दिए कि मैं घर क्यों नहीं छोड़ना, मेरा घर छोड़ना क्यों ठीक नहीं है। तो आपका आंसर यहाँ से आप देख सकते हैं कि वो कहती रही कि जब मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू भर पानी देगा, तो ये उसने तर्क दिए। तो ये अगेन आप सैम्पल आंसर से देखकर आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। अब प्रश्न चार पर चलते हैं, ये एक गतिविधि है, एक एक्टिविटी है, आपको अपने आसपास के किसी एक सामाजिक बुराई के बारे में अपने विचार लिखने हैं और यह भी बताना है कि उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है।
तो हमने आपको यहाँ पर समाज की एक बुराई है दहेज प्रथा, हमने इस उत्तर में दहेज प्रथा के ऊपर लिखा है, अपने विचार व्यक्त किए हैं और ये भी लिखा है कि दहेज प्रथा को कैसे दूर किया जा सकता है। आप अगर चाहें, आपके मन में अगर कोई और विचार आ रहा है कि कोई और सामाजिक बुराई है जो आपको लगता है कि हमारे समाज में बहुत बड़े स्तर पर है, तो आप बिल्कुल उसके बारे में लिखिए। हम आपको यहाँ सैम्पल आंसर दिखा ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा अगर आप लिखना चाहें तो बिल्कुल लिखिए। तो कुछ सामाजिक बुराइयां जो हमारे समाज में है, आप उसमें लिख सकते हैं अंतर जातीय जो विवाह अलाउड नहीं होते हैं, इंटरकास्ट मैरिजेस जो अलाउड नहीं होती हैं, या इंटरफेथ मैरिजेस जो अलाउड नहीं होती है, वो भी हमारे समाज की एक तरह से बुराई आप कह सकते हैं, या जो उनके बेसिस पे जो ऑनर किलिंग्स होती हैं, बिल्कुल वो भी एक समाज की बुराई ही है, क्योंकि वो एक फ्रीडम नहीं दे रही है लोगों को इंटरफेथ या इंटरकास्ट जाने का। तो जो समाज में कास्ट सिस्टम इस वजह से आज भी जो बरकरार है, या दो रिलीजन्स के बीच में, दो धर्मों के बीच में जो मनमुटाव आज भी बरकरार है, वो अगर शादियों के माध्यम से टूट सकते हैं, तो ये जो रीतियां हैं वो ऐसा नहीं होने दे रही हैं। तो ये एक सामाजिक बुराई आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आप बाल विवाह के बारे में लिख सकते हैं। तो हमारे देश में वैसे तो बाल विवाह कानूनी जुर्म है, और आप बिल्कुल 18 साल या उससे कम की आयु का अगर कोई है व्यक्ति है, तो आप उससे उसकी शादी नहीं कर सकते हैं। अगर व्यक्ति नहीं, अगर कोई लड़की है 18 साल से कम आयु की, तो आप उसकी शादी नहीं कर सकते हैं। और अगर कोई लड़का है जो 21 आयु से छोटा है, तो उसकी भी शादी नहीं हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो उसे बाल विवाह कहा जाता है और वो कानूनी जुर्म है। लेकिन हमारे समाज में और हमारे कई ऐसे राज्य हैं जिनमें अभी भी ये प्रथा मौजूद है और अभी भी बाल विवाह किए जाते हैं, तो आप इस कुरीति के बारे में भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह के और भी कई सामाजिक कुरीतियां हैं जिनके बारे में आप बिल्कुल लिख सकते हैं, जैसे अनटचेबिलिटी है, भेदभाव जो किया जाता है आज भी कई जगहों पर कानूनी तौर पर, ये सब सभी जुर्म होने के बावजूद भी कई जगहों पर आज भी ये सब देखा जाता है। तो अगर आप चाहें तो बिल्कुल आप इसके बारे में भी लिख सकते हैं। तो आज की वर्कशीट बस इतनी ही है। उम्मीद करते हैं आपको ये वर्कशीट समझ आ गई होगी। आप ये चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पूरी वीडियो देखिए, ताकि कहीं पर भी आपको डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो थैंक यू।